नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, पार्वती नदी का स्रोत है। बस चार ऑप्शन थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, मंतलाई लेक। मंतलाई लेक जो है वो पार्वती नदी का स्रोत है। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था, उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ धौलाधार माउंटेन रेंज इन मंडी। मंडी धौलाधार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आपके पास चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नागरू। नागरू जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। बात हुई है धौलाधार श्रृंखला की, धौलाधार माउंटेन्स की, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। धौलाधार का प्राचीन नाम है मौलाक पर्वत, और धौलाधार पर्वत की जो मैक्सिमम हाइट है वो है 4600 मीटर। इतना बेसिक्स आप धौलाधार पर्वत से रिलेटेड याद रखिए। क्वेश्चन नंबर टू है, सोलन गिरी इज द वैरायटी ऑफ, सोलन गिरी किसकी वैरायटी है। अब बस चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जिंजर। अदरक की वैरायटी है सोलन गिरी। हाल ही में नौणी विश्वविद्यालय ने ये सोलन गिरी एक वैरायटी है अदरक की, इसका शोध कार्य पूरा किया है। अच्छा, अदरक हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ पर उगाया जाता है, तो वो उगाया जाता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और इंडिया में सबसे अधिक अदरक कहाँ पर उगाया जाता है, तो इंडिया में सबसे अधिक अदरक जो है वो उगाया जाता है केरला में। इंडिया के केरला के बाद दूसरे नंबर पर है हमारा अपना सिरमौर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अदरक से रिलेटेड, और सोलन गिरी जो है वो अदरक की वेराइटी है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कामिलागु पास ज्वाइंस कामिलागु दर्रा जोड़ता है। अब चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, किन्नौर गढ़वाल। किन्नौर गढ़वाल को जोड़ता है कामिलागु पास। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे मैंने आपको बताए थे, तो एक बार उनको भी रिवाइज करते हैं। दराती दर्रा जो है वो जोड़ता है चंबा को पांगी से। वारू दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। साच दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। और पिन पार्वती दर्रा जो है कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। निकोरा दर्रा जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। तो इतना बेसिक सा आप दर्रों से रिलेटेड याद रखिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में दर्रों से रिलेटेड 100% श्योर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, द एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेणुका जी डैम मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट साइंड बाय हाउ मैनी स्टेट्स है। रेणुका बहुउद्देशी परियोजना के समझौते पर हाल ही में कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब बस चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हाल ही में 5 राज्यों ने रेणुका जी प्रोजेक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। ये 5 राज्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा, ये रेणुका जी प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बन रहा है, तो ये बन रहा है गिरी नदी के ऊपर। और गिरी जो है वो किसकी सहायक नदी है, गिरी यमुना की सहायक नदी है। इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल जो था वो स्टार्ट हो गया था 1976 में। 1976 में इसका प्रपोजल स्टार्ट हो गया था, परंतु फिर इसे बंद कर दिया गया था। और 2015 में इसकी लागत का अनुमान लगाया गया था, तो इसके ऊपर 4596 करोड़ का खर्चा आने का अनुमान लगाया गया था। अभी 2019 में इसके ऊपर 5 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इतना बेसिक सा रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश को IAS कैडर स्वीकृत किया गया था। 6 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कटोच डायनेस्टी इन द एंशिएंट, कटोच राजवंश के संस्थापक कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमचंद।
राजा भूमचंद जो थे वो कटोच राजवंश के संस्थापक थे, और ये माना जाता है कि कटोच राजवंश की स्थापना महाभारत काल से पहले की हुई है। कटोच, जिसे प्रेजेंट टाइम में कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल के प्राचीनतम राज्यों में से इसका पहला स्थान है। ये सबसे प्राचीन है हिमाचल प्रदेश के राज्यों में से। और कांगड़ा का जो किला है, जो त्रिगर्त का फोर्ट है, वो कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो है बाण गंगा और मांझी नदी के किनारे। इतना बेसिक सा आपको कटोच डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम दी राजा ऑफ सुकेत हु वाज पॉइजन्ड बाय हिज ऑफिशियल। सुकेत के किस राजा की हत्या उसके अधिकारी द्वारा जहर देकर की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रतन सेन। राजा रतन सेन को उन्हीं के एक अधिकारी ने जहर देके मार दिया था, और इनके भाई को इनके स्थान पर बिठाया था, और भाई का नाम क्या था? उनके भाई का नाम था श्वेत सेन। सुकेत रियासत से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन बताया था, वो था कि सुकेत रियासत के संस्थापक कौन थे। सुकेत रियासत की संस्थापना की राजा वीर सेन, और कब की थी? वो की थी 7th century में। सर ए कनिंघम जो थे वो फर्स्ट विजिटर थे सुकेत के, जिन्होंने सबसे पहले सुकेत की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इतना बेसिक सा आप सुकेत के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 16 सिंगी धार इज इन डिस्ट्रिक्ट। 16 सिंगी धार कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊना। ऊना में स्थित है 16 सिंगी धार। अच्छा, बात हुई है ऊना की, तो ऊना से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। सवां रिवर जो है वो कहाँ बहती है? सवां रिवर बहती है डिस्ट्रिक्ट ऊना में, और सवां रिवर को रिवर ऑफ सौरो के नाम से भी जाना जाता है। 1966 से पहले ऊना जो था वो होशियारपुर का पार्ट था। एग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में है, और ये कितना है? 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्लोर मेग सोलर पावर प्रोजेक्ट। और पंचभीषम मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में लगता है। महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। इतने बेसिक से क्वेश्चन आप डिस्ट्रिक्ट ऊना से रिलेटेड याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम डिस्ट्रिक्ट ऊना से रिलेटेड ये बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी हाटू फोर्ट इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ हाटू फोर्ट, कहाँ स्थित है? तो हाटू किला जो है वो स्थित है कोटगढ़ एरिया में। कोटगढ़ एरिया में स्थित है हाटू फोर्ट। हाटू माता का टेम्पल भी है, तो वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। हाटू फोर्ट के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के कोटगढ़ एरिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द राइटर ऑफ बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। शिमला पास्ट और प्रेजेंट किताब के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सर ई जे बक। सर ई जे बक ने लिखी थी शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब। प्रीवियस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तारीख़ रियासत सिरमौर किताब किसने लिखी थी? वो लिखी थी रणजौर सिंह ने। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब लिखी है आनंद चंद ने। कुल्लू देश की कहानी किताब लिखी है लालचंद पारथी ने। और किन्नर प्रदेश किताब लिखी है राहुल सांकृत्यान ने। हिमालयन आर्ट किताब लिखी है जे सी फ्रेंक ने। प्राचीन हिमाचल किताब लिखी है एल पी पांडे ने। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, इनके बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल्लू। कुल्लू में स्थित है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात हुई है कुल्लू की, तो कुल्लू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको पता होने चाहिए। कुल्लू का गठन हुआ था 1963 में, और कुल्लू का एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री टेम्पल कुल्लू में स्थित है। लालचंद पारथी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, और कुल्लू देश की कहानी किताब लिखी है लालचंद पारथी ने। जलोरी पास हमटा पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दुलाची दर्रा ज्वाइन करता है मंडी को कुल्लू से।
सित्तीधार श्रावण वैली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। वैशालियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। बच्चेश्वर महादेव टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कियास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। ये 13.7 स्क्वायर किलोमीटर है। दियो टिब्बा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और वजीरी रूपी भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पेल वैली इज सिचुएटेड इन स्पेल घाटी कहाँ पर स्थित है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रोहडू। रोहडू में स्थित है स्पेल घाटी। रोहडू में एक हर्बल गार्डन भी स्थित है, वो है डुमरेड़ा हर्बल गार्डन। हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 हर्बल गार्डन है, वो कहाँ कहाँ पर है। एक है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जंगल जलेरा, एक है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर नेरी, एक है डिस्ट्रिक्ट मंडी जोगिंदर नगर में और एक है डिस्ट्रिक्ट शिमला डुमरेड़ा में स्थित। ये हर्बल गार्डन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, धंगारा डांस इज परफॉर्म्ड इन धंगारा कहाँ का नृत्य है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। धंगारा जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का डांस है। बात हुई है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको पता होने चाहिए। सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे हिमाचल का 5.7% है। सिरमौर का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। महिमा लाइब्रेरी जहाँ सिरमौर में स्थित है, जिसकी स्थापना की थी अमर प्रकाश ने और ये कब की थी, 1926 में की थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजभवन से कलसी। पीच वैली क्यादादून वैली पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पूजे जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरने वाला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। धंगारा डांस परफॉर्म किया जाता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में और लोहगढ़ किला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रिलेटेड याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैटल ब्रीडिंग फॉर्म इन सिरमौर इज एट। सिरमौर में कैटल ब्रीडिंग फॉर्म कहाँ स्थित है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भगतान। भगतान में स्थित है कैटल ब्रीडिंग फॉर्म और ये भगतान डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में हमने अभी रिपीट किया, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और जितना भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रिलेटेड आपको बताया उसको रिपीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सिकंदर धार इज सिचुएटेड इन सिकंदर धार कहाँ स्थित है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मंडी। सिकंदर धार जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और सिकंदर धार के ऊपर एक फोर्ट भी बना है, किला भी बना है, वो कौन सा किला है, वो है कमला फोर्ट। तो ये सिकंदर धार से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था सिकंदर धार डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिलेटेड, वो था कि धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में कौन सी है, तो वो थी नागरू। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सिकंदर धार और डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिलेटेड याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ तारीख़े रियासत सिरमौर। तारीख़े रियासत सिरमौर किताब के लेखक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।